नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। उन्हें एक राजनेता और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में याद किया जाता है। नीलम संजीव रेड्डी ने बचपन से ही स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया। उन्हें स्वतंत्रता से पहले व बाद में एक अच्छे राजनेता के तौर पर उच्च स्थान में रखा गया है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर पहली बार असफलता मिली थी। दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रपति पद के लिए इनका चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य किए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, दो बार लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय में मंत्रिमंडल मंत्री रहे। आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना करियर शुरू करने वाले नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति बन गए। पहली बार वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और राष्ट्रपति चुनाव हार गए, पर दूसरी बार गैर कांग्रेसी दल ने इन्हें उम्मीदवार बनाया जिसके बाद ये राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतापुर जिले में मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। किसान परिवार में जन्म होने के बावजूद वो एक कुशल नेता थे। नीलम संजीव रेड्डी का पिता का नाम नीलम चिनप्पा रेड्डी था। वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशन के साथ थे। महात्मा गांधी की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई सन 1931 में छोड़ दिया और स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े। उसके बाद वो यूथ लीग से जुड़े रहे और विद्यार्थी सत्याग्रह में भाग लिया। सन 1938 में उनको आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति का सचिव चुना गया। इस पद पर नीलम संजीव रेड्डी 10 साल तक बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी ये जेल गए और सन 1940 से लेकर 1945 के बीच जेल में ही रहे। मार्च 1942 में सरकार ने उन्हें छोड़ दिया था, पर अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में फिर गिरफ्तार हो गए। सन 1946 में वो मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए और कांग्रेस विधायक दल के सचिव बनाए गए। बाद में उन्हें मद्रास से भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। वर्ष 1951 में नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश समिति का अध्यक्ष बन गए। जब 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई तभी टी प्रकाशन मुख्यमंत्री और नीलम संजीव रेड्डी उप मुख्यमंत्री बने। बाद में जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया तब नीलम संजीव रेड्डी मुख्यमंत्री बनाए गए। वर्ष 1956 से लेकर 1960 तक इस पद पर बने रहे और फिर 1962 से लेकर 1964 तक नीलम संजीव रेड्डी एक बार फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नीलम संजीव रेड्डी तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। वो तीन बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। लाल बहादुर शास्त्री के सरकार में स्टील और खनन मंत्री भी रहे। वर्ष 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना, पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया क्योंकि वो इंदिरा गांधी के विरोधी जुट में शामिल थे और इंदिरा गांधी को ऐसा लगता था कि अगर नीलम संजीव रेड्डी चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने अपने सांसदों और विधायकों से कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे। इसका नतीजा ये हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्र उम्मीदवार बीवी गिरी से चुनाव हार गए। नीलम संजीव रेड्डी जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का पद से इस्तीफा दे दिया था, सक्रिय राजनीतिक से संन्यास ले लिया और अंतापुरम जाकर कृषि कार्य में लग गए। जय प्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे के बाद नीलम संजीव रेड्डी राजनीतिक चुनाव से बाहर निकले और सन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गए। 26 मार्च 1977 को उन्हें छठी लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया, पर कुछ महीनों बाद ही उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1977 के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव कराए गए जिसमें नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसके साथ ही वो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हो गए। उस समय उनकी उम्र 65 साल थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तीन अलग अलग सरकारों के साथ कार्य किए। 25 जुलाई 1982 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नीलम संजीव रेड्डी अंतापुरम चले गए और अपने आप को कृषि कार्य में व्यस्त कर लिए। नीलम संजीव रेड्डी का निधन निमोनिया के कारण 1 जून 1996 को बेंगलोर में हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।